ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 25 सितंबर 2020 शुक्रवार का दिन है। अधिक मास आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दही या जौ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रमा जो कि धनु राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ एवं केतु वृश्चिक राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान के साथ साथ धन लाभ के भी उत्तम अवसर इनको मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी। जो काम इनके द्वारा किए जाए गए उसके भी उत्तम परिणाम इनको प्राप्त होंगे। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों का दैनिक उपाय क्या होगा तथा इनके भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। समय की गति आपके पक्ष में रहेगी, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या का समाधान मिलने से आप मन ही मन प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेंगे तथा आपको राहत मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करने के लिए उत्तम दिन रहेगा, परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ कमजोर हो सकती है, इसलिए फिजूल खर्ची पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा, भाग्यशाली रंग ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। घर में कोई ऐसा काम आपको करना पड़ेगा जो बहुत दिनों से करने का आप सोच रहे हैं। घर की परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी, मेहनत से आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे तथा जो भी आप काम करेंगे उसके दूरगामी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में, नौकरी में एक नयापन आपको महसूस होगा। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कामकाज को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यस्तता आपकी रहने वाली है तथा दोपहर के बाद में दिन आपका बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े का दान करेंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा, भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कड़ी मेहनत व अथक परिश्रम से आप अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। जिसकी आपको इच्छा होगी वह आपको प्राप्त हो जाएगी। बुजुर्गों का स्नेह तथा आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उनकी सलाह से आपका कोई काम जो अटका हुआ है, रुका हुआ है, वह पूर्ण हो जाएगा। घर परिवार के साथ समय व्यतीत करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक कश्मकश रहेगी, लेकिन पैसा रुका हुआ जो है वह आपको वापस प्राप्त होने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे और मेहनत के कारण थकावट अधिक रहेगी और आपको इसके उत्तम परिणाम भी हासिल हो सकेंगे। उपाय के रूप में यदि गणेश जी के मंदिर में आप गुड़ और दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज का दिन परिवार के साथ में आपका व्यतीत होगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। नए व्यापार को, नए काम को शुरू करने का भी आप मन बना सकेंगे तथा घर परिवार में कोई कार्य योजना बनेगी जिससे आपका मन बहुत ही हर्षित रहेगा। परंतु सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए भी आपको किसी चीज़ की कमी महसूस होगी। मनन करेंगे तो इसकी वजह भी आपको पता चल जाएगी। अपनी भावनाओं तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इसके प्रभाव से कुछ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। कामकाज को आप पूरी गंभीरता व संजीदगी से लेंगे, इसका असर आपको परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में हल्दी का दान करेंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा, भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
किसी सामाजिक समारोह में आपकी सहभागिता आवश्यक होगी तथा आपको राजनीतिक या सामाजिक या पारिवारिक रूप से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होगा। संतान संबंधी कार्य जैसे विवाह, नौकरी आदि की कार्य योजना सफल होगी। मेहमानों की आवाजाही आपके घर में रहेगी। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। किसी पर अत्यधिक भरोसा या विश्वास करना नुकसानदायी साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने निर्णय ही सर्वोच्च रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में विस्तार की योजना पर काम होगा। मशीनरी, नई तकनीक आदि का प्रयोग सफल होगा और रुके हुए कोर्ट के कचहरी के मामलों में आपको फायदा होगा। धन लाभ के पूरे पूरे अवसर आपको प्राप्त होंगे और उपाय के रूप में एक लाल फल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज का दिन ऊर्जा, जोश और उमंग से परिपूर्ण रहेगा। बच्चों के साथ धैर्य रखते हुए व्यवहार करें, जिससे आपके सभी काम जो अधूरे हैं वह पूर्ण हो जाएंगे। कई प्रकार के खर्चों का भी आप मैनेज कर लेंगे। अपनों के साथ मनोरंजन में भी आपका समय व्यतीत होगा। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी रखें। कोई ऐसी बात मुंह से निकल सकती है जिससे संबंध आपके खराब होने की आशंका है। कुछ हद तक खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा। व्यापार में नया सौदा, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और उपाय के रूप में माता लक्ष्मी जी को पीला फूल चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपके अंदर हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छी परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। विशेष करके आप अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देंगे। उम्मीदें और सपने आपके साकार होंगे। उत्तम समय है, इसका बेहतर सदुपयोग करें। परंतु ध्यान रखें कि लापरवाही और समय की लेट लतीफी के कारण जरूरी व महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। किसी कार्यक्रम में आपको जो है कुछ कमी महसूस होगी और आपके सम्मान को ठेस भी पहुंच सकती है। सावधानी आपको रखना चाहिए और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मीठी वस्तु कोई भी खाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग नीला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव तथा कई अवसर सुलभ होंगे। कुछ नया सीखने में समय आपका व्यतीत होगा और यही अनुभव आगे व्यावहारिक जीवन में आपके काम आएगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक वातावरण में कहीं ना कहीं अशांति आपको महसूस होगी। भाइयों के साथ तालमेल कुछ कमजोर हो सकता है। आय के साथ साथ खर्चों की अधिकता रहेगी। कोई भी अनुचित कार्य अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें और उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में यदि आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। भूमि, भवन व वाहन संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम आपका जो अधूरा है वह पूर्ण हो जाएगा। सुखद अनुभव आपको प्राप्त होगा। लाभ की प्राप्ति होगी तथा अपनों के बीच खुशनुमा समय आपका व्यतीत होगा। युवा वर्ग को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी, नए रोजगार की संभावना पूरी पूरी बन रही है। धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां जो अभी तक चल रही है वो समाप्त हो जाएगी और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा को मेहंदी और हल्दी चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार आपको प्राप्त होगा। धन संबंधी कुछ कार्य संपन्न होंगे। मानसिक रूप से आप सुकून का अनुभव करेंगे। किसी समारोह या पार्टी में आपकी व्यस्तता रहेगी। बच्चों को लेकर किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न हो सकती है और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में गंगा जल चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज भाग्य आपके पक्ष में है। रुकावट तथा बाधाओं के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में सक्षम रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रहे किसी विवाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। मित्रों व सहयोगियों से संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित व संतुलित रखें। भूमि, भवन, वाहन या कोई नया सामान खरीदने के लिए आप कर्ज लेने की योजना बना सकते हैं। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता रहेगी और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खाते हैं तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा।
आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा, भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। समय मान प्रतिष्ठा वर्धक है। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके अपने आप को हल्का आप महसूस करेंगे। शानदार समय व्यतीत होगा। दैनिक कार्यों के साथ साथ अन्य कार्य बड़ी सहजता से आप पूरा कर पाएंगे। बच्चों को ज़्यादा ढील न दे, उनके क्रियाकलापों पर नज़र बनाए कर रखे। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले रंग का चंदन या अष्टगंध चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा, भाग्यशाली रंग सफेद होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।